सुल्तानगंज अगवानी घाट जो ब्रिज बन रही थी वो ब्रिज एक दिन पहले यहाँ पर धराशायी हो गया, गंगा के गर्भ में समा गया। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही वो ब्रिज है जो यहाँ से सुल्तानगंज से अगवानी घाट तक जाना था। इसका अप्रोच रोड लगभग तैयार हो गया था और गंगा के गर्भ के बीच में जो स्लैब ढाले गए थे, जो पाया बनाया गया था, जो पिलर्स बनाए गए थे, वो तीन पिलर जो 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर की जो पिलर है, वो पिलर और उसके ऊपर का स्लैब पूरी तरह से गंगा के गर्भ में समा गया। और यहाँ के लोग जिनको बहुत दिनों से ये आशा थी कि ये इस ब्रिज के बन जाने के बाद जो खगड़िया से सुल्तानगंज की दूरी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, वो फिर से इनके भरोसे इनका भरोसा टूट गया है। देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ देखने आए हैं उस ब्रिज को, जिस ब्रिज के सहारे इनका जीवन चलने वाला था। और इनको ये लग रहा था कि जिस दिन ये ब्रिज शुरू हो जाएगी यहाँ से, उसके बाद से यहाँ आना जाने की जो परेशानी है वो परेशानी खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो भी लोग आते हैं, भागलपुर आते हैं, भागलपुर से सुल्तानगंज आते हैं, और फिर जब उनको अगवानी जाना होता है, खगड़िया की तरफ जाना होता है, तो यहाँ वैसे उनको नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। लेकिन पुल बनने के बाद इनको ये उम्मीद थी कि अब इनका जो परेशानी है इनकी खत्म हो जाएगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। देखिए ये ब्रिज टूट गया, क्या कितना भरोसा टूटा आपका? बहुत भरोसा टूट गया। अभी पुल रहता तो उधर आने की नाव का सहारा नहीं लेना पड़ता है, पुल से चल जाते, लेकिन अभी तो धस गया, अब टूट गया तो फिर से बनेगा तब ना। तो क्या लगता है क्यों टूटा ये पुल? काम गड़बड़ हुआ इसी के वजह से, ये मटेरियल सही इनसे काम नहीं कर रहा है और इसी के वजह से पुल टूट रहा है। अंग्रेज का जमाना का देखिए पुल अभी भी है, वो नहीं टूटा है और ये अभी पुल बन करके चालू नहीं हुआ है और ये टूट कर तैयार है। भरोसा बहुत तरह से भरोसा टूट गया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, हम लोग जो हर एक चीज में जो टैक्स देते हैं, तो हम ही लोग के पैसा से पुल बन रहा है। अब पूरे सुल्तान पूरे बिहार वासियों को इतना भरोसा टूटा, एक बार पुल टूटता तो कहने की बात अलग था, दो बार पुल हवा में उड़ गई है, तो आप बताइए यहाँ पे एक इंजीनियर की मौत हो गई है। और अभी देखिए अगर भ्रष्टाचार वो लोग किया और इतना पब्लिक उधर जाने के लिए सब उस पार जाने के लिए तैयार है, आता आज सुविधा भी बंद कर दिए हैं, आप ही बताइए कि ये ठीक है? और यहाँ इसमें इस पुल के जो कंपनी जो बना रही, इस कंपनी को बना रही है, इस पर जांच बैठनी चाहिए। अगला बार भी बोली कि IIT की टीम आएगी जांच करने के लिए, इसमें आई कि नहीं पता नहीं, फिर से वही हुआ। अगर उस समय अगर एक्शन सरकार लेता तो आज इस दिन को देखने के लिए नहीं मिलता फिर से। अगर इस कंपनी को, इस प्रोजेक्ट को अगर तैयार नहीं किया जाता है तो दूसरा कंपनी को दे दिया जाए। ये पहले से बहुत ज्यादा इससे विश्वास टूट गया, पहले तो था कि दोबारा बन भी जाएगा, अब तो विश्वास ही नहीं रहा कि दोबारा ये बनेगा भी तो लोग को जो इसके ऊपर विश्वास है वो दोबारा नहीं आ सकता, क्यों एक बार टूटा दोबारा तीन बारा क्या गारंटी का ये बनेगा? जब बन जाएगा अब तब चढ़ेंगे इस पर? बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे, चढ़ेंगे तो इससे बड़ा दुर्घटना हो सकता है। मिट्टी के इस बालू के जगह इसमें लाल बालू उजला बालू मिलाया जाता है, कंक्रीट में सीमेंट नहीं देता है। आप जाके प्लांट पे चेक कीजिए। अच्छा, हाँ हम लोग आँख से देखे हैं। तो आप लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया? किससे करेंगे, सब तो यहाँ घुसे ले रहा है, विधायक से लेकर नीतीश कुमार तक सबको कमीशन चाहिए, प्रशासन जो भी है, बिहार की सरकारी ये सबसे बड़ी क्या कह रहे हैं, यहाँ की सरकारी बजट है, जब दो बार 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 हो रहे हैं तो इस पे चेक इन क्यों नहीं होता? जब पुल बन गया तो इस पे फिर से निगरानी क्यों नहीं होते हैं, कैसा क्यों होता है, फिर से कुछ एक्शन ही नहीं, चेक करके नहीं लगाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि गलती एक बार होती है, बार बार गलती नहीं होता। अगर बार बार दोबारा गलती को दोहराया जा रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे हर कोई मिला हुआ है। ये जितना भी स्लेप यहाँ पे साटा गया है, हर स्लेप के पीछे 10,000 रुपया जब तक घुस नहीं देता है, स्लेप वहाँ से पास नहीं किया जाता है। और जितना भी मटेरियल इसमें दिया गया है सब डुप्लीकेट मटेरियल है। यहाँ पे यहाँ ऊपर तक टैक्स जाता है इस कंपनी का और तब ये कंपनी टिका हुआ है, नहीं तो इतना गलती बार बार दोहराने के बाद तब पर भी ये कंपनी का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। पुल का निर्माण के लिए दूसरे कंपनी को देना चाहिए, नहीं तो इस कंपनी को अगर दिया जाएगा तो हो सकता है कि कल दिन बनने के बाद अगर यहाँ पे सैकड़ों गाड़ी चलेगी उस समय अगर गिर जाएगा तो कितना नुकसान होगा। इसलिए इस कंपनी को बदलना चाहिए और इस कंपनी को ऊपर कार्रवाई भी होना चाहिए। उस बार तो हवा था तो सब लोग बोला हवा में गिर गया, इस बार ना हवा में पुल उड़ता है क्या? हवा में तो पुल नहीं उड़ता है, उस बार तो मान लिया हवा में उड़ गया। कैसे उड़ गया हवा में?
हम वो तो नहीं समझ पाए कैसे उड़ गया, इसका क्या कारण था, लेकिन कल ना कोई हवा था ना कोई आंधी था, कल क्या हुआ कैसे उड़ गया? कल तो लूक ही लग गया होगा ना? हाँ लूक लग गया होगा, धूप था ज्यादा तो लूक लग गया होगा। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार है, पूरे सरकार ने इसे ठीका दे रखा है और जानबूझ के हरेक साल पुल गिरा रहा है कि समय बढ़े ताकि फिर क्या हमको पैसा दे। यही इस कंपनी का निर्णय है या सोच है, कोई भी इंजीनियर है संडे को संडे इसका पुल गिरता है। क्या पिछली बार कैसे हवा में उड़ गया? हवा में उड़ गया, संडे को ही उड़ गया, संडे में ही उड़ा, संडे को उड़ा, एक इंजीनियर मरा संडे को मरा, कल पुल उड़ा संडे को पुल उड़ा। कल तो संडे क्या है इसके लिए? अब इसके लिए संडे काल बरस रहा है, शिमला के लिए संडे काल बरस रहा है इस कंपनी को, लेकिन ये कोई चंडी यज्ञ करवाया लेकिन कोई सक्सेस नहीं हुआ, ना चंडी यज्ञ सक्सेस हुआ ना इसका और कोई यज्ञ सक्सेस हुआ। ये प्रत्येक साल पुलिस का गिर रहा है, कभी हवा में उड़ जाता है तो कभी गंगा स्नान पुल करता है, इसका यही निर्णय है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद